नमस्कार दोस्तों, CPTF अर्णव YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। जिस जैकपॉट मैच का इंतजार सब कर रहे थे, वो मैच आज होगा। दिल्ली और बंगलोर के मध्य खेला जाने वाला IPL 2022 का एक धमाकेदार जैकपॉट स्टाइल वाला यह मैच होगा। दोस्तों, ध्यान से पूरा वीडियो देखना है, तभी आज आप इस जैकपॉट मैच का मजा उठा पाओगे। 100% श्योर टुडे क्रिकेट मैच प्रेडिक्शन। दोस्तों, हमारी लगातार टॉस प्रेडिक्शन, मैच भविष्यवाणी, पावर प्ले, स्कोर, रन, पहली पारी में कितने रन बनेंगे, बैक टू बैक पास होती जा रही है। जिन दोस्तों को हमारे टेलीग्राम लिंक से कनेक्ट होना है, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 27वें मैच का संपूर्ण एनालिसिस करेंगे। यह मैच दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में दिनांक 12 अप्रैल 2022 7:30 PM पर खेला जाने वाला है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में अब तक IPL 2022 के 5 मैच खेले जा चुके हैं। इस मैदान पर सभी मैच मीडियम स्कोरिंग वाले मैच हुए हैं। इस मैदान पर 2 बार 140 से कम रन बन चुके हैं। इस मैदान पर पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने क्रमशः 131, 158, 137, 169, 165 रन बनाए हैं। 5 मैच में 4 बार स्कोर आसानी से चेस हुआ है। अगर दिल्ली कैपिटल्स पहले बल्लेबाजी करेगी तो 6 ओवर में 35-44 के बीच में स्कोर बन सकते हैं। वहीं अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पहले बल्लेबाजी करेगी तो 20 ओवर में 133 से 167 के बीच में स्कोर बनाएगी। आज के मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 6 ओवर पावर प्ले में कितने रन स्कोर बनाएगी? आज के इस T20 मैच में पहली पारी के 6 ओवर में रन नहीं बनेंगे, सेशन नोट जा सकता है। दोस्तों, आने वाले सभी क्रिकेट मैच प्रेडिक्शन के सभी वीडियो के बारे में आपको तुरंत पता चल जाए, उसके लिए आप अभी हमारे CBTF अर्णव YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को लाइक करना भूल ना जाना। आप भी अपनी पसंद की टीम का नाम कमेंट्स करके जरूर बताना, जो टीम आज के इस मैच को जीतेगी। आज के इस मैच के लिए की प्लेयर्स की बात करें तो आज के लिए की प्लेयर में आप विकेटकीपर के रूप में अनुज रावत एंड ऋषभ पंत को अपनी ड्रीम 11 टीम में चुन सकते हो। अनुज रावत एंड ऋषभ पंत द्वारा लगातार अच्छे रन बनाए जा रहे। अगर हम दोनों टीमों के बल्लेबाजों की बात करें तो आज के इस मैच में पृथ्वी शॉ एंड शाहबाज अहमद यह खिलाड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। इन खिलाड़ियों को आप अपनी ड्रीम 11 टीम में अवश्य स्थान देना। ऑलराउंडर के रूप में ललित यादव एंड अक्षर पटेल काफी रन बना सकते हैं और मौका मिलने पर कीमती विकेट भी लेंगे। कुलदीप यादव एंड हर्षल पटेल काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। अपने शुरुआती ओवरों में अपनी कसी हुई गेंदबाजी द्वारा बल्लेबाजों को काफी परेशानी में डाल देते हैं। इस मैच में टॉस कौन जीतेगा? हमारी 100% मैच भविष्यवाणी के अनुसार जो भी टीम टॉस जीतेगी वो टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। हमारी 100% मैच भविष्यवाणी के अनुसार इस मैच में टॉस प्रेडिक्शन टॉस दिल्ली कैपिटल्स जीतेगी। इस मैच में टॉस दिल्ली कैपिटल्स जीतेगी। टुडे मैच टॉस प्रेडिक्शन इज दिल्ली कैपिटल्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूले। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको तुरंत रिप्लाई करेगी। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर कि टुडे क्रिकेट मैच प्रेडिक्शन, आखिर आज का मैच जीतेगा कौन? आप अधिक जानकारी के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है
9876309037167। ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स टीम ने शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन पता नहीं बाद में इस टीम को क्या हुआ कि मैच जीतना भूल गई। अब तक 4 मैच खेलकर सिर्फ 2 मैच जीते हैं। हालांकि दिल्ली ने अपना अंतिम मैच केकेआर से जीता हुआ है। दिल्ली की ओर से पृथ्वी शाह, ललित यादव काफी अच्छे रन बना रहे हैं। डेविड वार्नर के आ जाने से दिल्ली की टीम का बल्लेबाजी क्रम भी काफी मजबूत हो चुका है। गेंदबाजी में कुलदीप यादव प्रत्येक मैच में काफी विकेट ले रहा है। रॉयल बैंगलोर ने अब तक 5 मैच में 3 मैच जीतकर सभी प्रशंसकों को खुश कर रखा है। बंगलोर की तरफ से अनुज रावत, शाहबाज अहमद, कप्तान प्लेसिस सभी रन बना रहे हैं। श्रीलंकन हरफनमौला हंसरगा इस समय काफी अच्छी फॉर्म में है। इस मैच में दिल्ली की राह आसान नहीं होगी। टुडे मैच प्रेडिक्शन इज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विन द मैच, आरसीबी बैंगलोर यह मैच जीतेगी। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दें। मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8769037167। जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ।